हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल मेजरमेंट्स के बारे में तो जो पॉपुलेशन होती है उसमें अगर हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया मेजर करने हैं तो हमारे पास वेरियस मेथड्स जो है वो अवेलेबल है यानी हम वेरियस मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं एक ऐसा मेथड है जिसे हम कहते हैं प्लेट काउंट मैथर्ड जिसमें क्या किया जाता है बैक्टीरिया का सैंपल लिया जाता है और उसे डाइल्यूट किया जाता है सलाइन सल्यूशन में डिस्टल्ड वाटर में या अदर होल्डिंग फ्लूड में तो फिर क्या होता है ये जो ये सैम्पल्स होते हैं डाइल्यूशंस के उन्हें प्लेस किया जाता है पैटरी डिशेज में और उसमें ग्रोथ मीडियम जो है ना वो भी ऐड किया जाता है और फिर उसे सेट असाइड रखा जाता है ताकि वो इंक्यूबेट कर सके इंक्यूबेशन को फॉलो करते हुए काउंट जो है कॉलोनीज़ का उसे लिया जाता है और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है किससे डायलूशन फैक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो प्लेट ठीक जनरली ऐसे प्लेट्स जिनमें थर्टी से लेकर थ्री हंड्रेड कॉलोनीज है ना इनके बिटवीन बिटवीन थर्टी एंड थ्री हंड्रेड कॉलोनीज उन्हें सेलेक्ट किया जाता है ताकि डिटरमाइन कर सके फाइनल काउंट को जो रिप्रेजेंट करता है या जो एक्सप्रेस करता है ना नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ओरिजिनल एम ऑफ सैंपल अनदर मेजरिंग मेथड जो है वो है डिटरमाइन करना मोस्ट प्रोबेबल नंबर को तो इस टेक्निक को ऑफन यूज किया जाता है ताकि डिटरमाइन कर सके नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सैंपल ऑफ कंटामिनेटेड वाटर वाटर सैंपल्स को ऐड किया जाता है न्यूमरस ट्यूब्स में जिनकी सिंगल स्ट्रेंथ या डबल स्ट्रेंथ लैक्टोज ग्रॉथ होता है अगर कॉलिफॉम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होगा तो वो फर्मेंट करेगा इस लैक्टोज को और प्रोड्यूस करेगा गैस फिर जज हम करेंगे कैसे जो नंबर होगा ट्यूब्स का जो कंटेन करते होंगे गैस एट द एंड ऑफ द टेस्ट तो उनमें से एक जो है ना वो अप्रोक्सीमेट करेगा क्या ऑरिजिनल नंबर और, और बैक्टीरिया इन द वाटर सैंपल अनदर वेलेबिटी मेथड जो है वो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट तो इसमें क्या होता है एक स्पेशली डिजाइनड काउंटिंग चैम्बर जिसे कहते हैं पेट्रोफ हॉसर काउंटर उसे यूज किया जाता है और मेजर्ड सैंपल लिया जाता है बैक्टीरियल सस्पेंशन का और उसे प्लेट क्या प्लेस किया जाता है काउंटर पे और एक्चुअल नंबर जो है ऑर्गेनिजम्स का उसे काउंट किया जाता है इन वन सेक्शन ऑफ द चैम्बर और जो एक्चुअल नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का उसे काउंट किया जाता है चैम्बर के एक सेक्शन में फिर मल्टीप्लाई करते हुए बाय एस्टैब्लिश रेफरेंस फिगर वो हमें देती है नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन द एंटायर चैम्बर में और इन द दैम्पल काउंटेड लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि बोथ लाइव बैक्टीरिया एज वेल well एज डेथ बैक्टीरिया जो है उन्हें काउंट किया जाता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में अनदर मैथड जो है वो टूर्बिडिटी मैथड है तो इसमें क्या होता है उसे भी हम यूज कर सकते हैं ताकि हम एसेस कर सकें बैक्टीरियल ग्रोथ को ठीक है ना तो एज बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं लिक्विड मीडियम में और वो उसे क्लाउडी बना देते हैं जब हम प्लेस करेंगे ना कल्चर ट्यूब को इन अ बीम ऑफ फ्लाइट में और नोट करेंगे अमाउंट फ्लाइट जो ट्रांसमिट हो जाएगी वो हमें आइडिया देती है कि ट्यूबिडिटी क्या है उस कल्चर का और रिलेटिव नंबर क्या है बैक्टीरिया जो इट कंटेन्स ठीक है ना ड्राई वेट जो होता है ना कल्चर का उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें माइक्रोबियल नंबर को तो जो लिक्विड कल्चर होता है उसे ड्राई आउट किया जाता है और जो अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल मास है उसे वेट किया जाता है किस पे स्केल पे ऐसा भी पॉसिबल है कि हम मेजर कर सके ऑक्सीजन अपटेक को जो कि बैक्टीरिया का होता है अगर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो यूज होता है बाय कल्चर ए से देन कल्चर बी से एंड ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल देन इट मे बी डिड्यूसड दैट मोर माइक्रो ऑर्गैन आर प्रेजेंट इन द कल्चर तो यहाँ पे ये ये कहता है कि जब आ, ऐसा पॉसिबल है कि हम मेजर कर सकें ऑक्सीजन अपटेक जो होता है कल्चर का जो कि बैक्टीरिया का होता है अगर मोर ऑक्सीजन जो है ना वो यूज़ करता है कौन कल्चर ए देन कल्चर बी और ऑल अदर थिंग्स जो होता है ना वो इक्वल होता है देन ऐसा हम डिड्यूस कर सकते हैं कि जो मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट है कल्चर में कल्चर ए में तो एवेरिएशन जो है इस मेथड की कॉल द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसे यूज़ किया जाता है ताकि हम मेजर कर सकें एक्सटिंग कितना है कंटामिनेशन का इन सैंपल वाटर सो वी आर डन विद दिस पार्ट आल्सो